सबका फोन लैग करता है लेकिन किसी के पास अभी इतना बजट नहीं है कि एक आईफोन ले पाए। सो गाइस, इस वीडियो में आपको बताएंगे कैसे आप अपने पुराने फोन को, चाहे उसमें 1, 2, 3 या 4 GB रैम हो, उसको बूस्ट कर सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। गाइस, कोई भी डिवाइस हो उसमें दो मेन चीज होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर तो हम ऐसे अपग्रेड कर नहीं सकते हैं, वो आपका जो भी है वही है, जैसे कि आपका प्रोसेसर, रैम, ये सब, और आपका स्क्रीन जो की है। लेकिन सॉफ्टवेयर को हम कैसे बूस्ट करें, इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसके लिए मैं कुछ टिप्स दूंगा और कुछ ऐप्स भी आप डाउनलोड कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सबकी लिंक होगी, सो वहाँ पे डाउनलोड कर लेना। अभी यहाँ पे मैंने अपना फोन ले लिया है। सो गाइस, यहाँ पर आप मेरे फोन की स्क्रीन देख पा रहे हो। अभी आपको सिंपली यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है। सबसे पहले आपको सेटिंग्स में ही काम है, और पहले तो मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, जैसे कि गैलरी से फोटोज एंड वीडियोज डिलीट करना जो कि बेफालतू के हैं, कुछ ऐप्स अनइंस्टॉल करना, ये आप लोग खुद कर लेना। जो ऐप आपके काम के नहीं उनको डिलीट करना, और कुछ फोटोज एंड वीडियोज जो अब आपके काम के नहीं है उनको डिलीट करना। सो ये तो कॉमन चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो ज़्यादातर लोग को नहीं पता। तो सेटिंग्स में आपको नीचे आना है, और यहाँ पे सिस्टम या अबाउट फोन कुछ भी हो सकता है अलग अलग फोन में। यहाँ पे मेरा अबाउट फोन अंदर है, और यहाँ पर बिल्ड नंबर आपको दिखेगा सबका अलग अलग, और बिल्ड नंबर में आपको टैप करते रहना है। और अब आपको यहाँ पे पासवर्ड मांगेगा, और यहाँ पर आपके फोन का जो भी पासवर्ड है आपको दे देना है। आपको मांग भी सकता है, नहीं भी मांग सकता है, बट मुझे मांग रहे तो मैं दे दे रहा हूँ। और जैसे आप पासवर्ड एंटर कर लोगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा यू आर नाउ अ डेवलपर। अभी इसका क्या मतलब है, आपको कुछ एक्स्ट्रा सेटिंग जो कि एक डेवलपर को जो फोन का होता है उसको मिलती है, वो आपको भी अब ग्रांट हो चुकी है। अभी डेवलपर ऑप्शंस में आपको आना है, और यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। अभी आपको इनमें क्या क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, सबसे पहले आपको नीचे स्क्रोल डाउन करना है, और यहाँ पर आपको मेरे लॉगर बफर साइजेस, इसको आपको 64K में करना है। ये के मतलब के बी है ऑब्वियसली, और नीचे 16 MB माने कि 16 MB, आपको उसको 64K करना है या 256 कर सकते हो, ज़रा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो आपको कैश डेटा है वो कम लेगा। अभी आपको और नीचे आ जाना है। अब गाइस, नीचे आपको विंडोज एनिमेशन स्केल मिलेगा, इसको बाय डिफॉल्ट 1x पर होता है, बट आप इसको 0.5 का ऑफ भी कर सकते हो। मैं तो सजेस्ट करूंगा 0.5 करो, कि उससे काफी फर्क पड़ जाता है, ऑफ में आपको इतना इंप्रूवमेंट नहीं मिलेगा। 1x भी आप रख सकते हो, 1.5 भी कर सकते हो, 1.5 से ज्यादा मत करना और 0.5 से कम भी मत करना। अभी गाइस, यहाँ पर आपको स्मॉलेस्ट वेट मिलेगा, इसके साथ कुछ भी चेंज मत करना प्लीज, वरना आपका फोन बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। अभी नीचे आपको और दो ऑप्शंस मिलेंगे, 4GPU रेंडरिंग, इसको आपको ऑन कर देना है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको मिलेगा 4X MSSA, इसको भी आपको ऑन कर देना है। तो इसके क्या होगा, आपका जो ग्राफिक कार्ड है उसके लिए कुछ सेटिंग्स हैं, और यहाँ पर आपको एक सेट GPU रेंडर मिलेगा, तो आपको OpenGL बाय डिफॉल्ट ही रखना है उसको। अब यहाँ पर आप नीचे आओगे तो आपको मिलेगा बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट, इसको आपको क्लिक करना है और नो बैकग्राउंड प्रोसेस कर देना है। इससे आपके बैकग्राउंड में, जैसे मान लो आप YouTube सर्व कर रहे हो और आपका बैकग्राउंड में WhatsApp ऑन है, तो वो कोई भी आपका डेटा नहीं ले पाएगा, और आप YouTube और आराम से यूज कर पाओगे। गाइस, ये थी कुछ तबाहीदार सेटिंग्स। इससे आपको थोड़ी बहुत की सेटिंग्स है, लेकिन इससे आपको काफी ज्यादा फर्क पड़ना चाहिए। अभी मैं आपको कुछ और ऐप्स बताने वाला हूँ जो कि आपके फोन को बहुत ही ज्यादा बूस्ट कर देते हैं। और हाँ, वो कोई भी फेक नहीं है, और कोई भी स्पॉन्सर भी नहीं है, हमको स्पॉन्सर नहीं मिलता है। सो मेरा पर्सनल जो ओपिनियन रहा है उन ऐप्स को यूज करके, मैंने पर्सनली वो ऐप यूज करे हैं, सो उनको यूज कर लेना। और जब सारी सेटिंग्स हो जाए तो एक बार लास्ट में फोन को रीस्टार्ट कर लेना, सो उसके बाद आपका फोन एकदम स्मूथ हो जाएगा। सो कुछ ऐप्स मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जो पहला ऐप है उसका नाम है नॉक्स क्लीनर, ये नॉक्स का है और ये बहुत ही स्मूथ है। सो एक मिनट में आपको दिखा दूं कौन सा ऐप है। सो गाइस, ये सबसे ऊपर जो आपका आ रहा है नॉक्स क्लीनर पोस्टर ऑप्टिमाइजर एंड मास्टर, सो ये बेस्ट ऐप है, वन ऑफ द बेस्ट ऐप है, बेस्ट तो नहीं बोलूंगा मैं, और ये काफी ज्यादा फर्क दे देता है। इसमें एंटीवायरस है, और आप पर्सनल ऐप्स में पासवर्ड भी लगा सकते हो, आप जंक बूस्ट कर सकते हो, आप मेमोरी क्लीन कर सकते हो, और ये आपको वो चीजें बता देगा जो वीडियोज और फाइल्स आपने काफी टाइम से नहीं खोली है उनको आप डिलीट करना चाहो तो कर भी सकते हो। और जो सेकेंड ऐप हमारी लिस्ट में वो है नॉक्स का, नॉक्स सिक्योरिटी। सो बेसिकली ये सिक्योरिटी ऐप है, लेकिन इसमें भी आपको फोन के बूस्ट का ऑप्शन मिलता है, और ये भी काफी ज्यादा काम आता है। इसके भी वही सेम फीचर्स है, एंटीवायरस, बूस्ट, और पर्सनल ऐप्स में पासवर्ड लगाना और ये सब।
सकते हो। सो गाइज ये काफ़ी छोटा वीडियो था लेकिन इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहा आपको, और बहुत सारे ऐप्स फेक भी होते हैं तो उनमें मत जाना, और ये दो ऐप हैं काफ़ी पॉपुलर भी, और मैंने पर्सनल ही इनको यूज़ करा है, सो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और कुछ टिप्स अगर मैं आपको दूँ तो अपना जो फ़ोन है आपका कभी भी चार्ज करते टाइम यूज़ मत करा करो एक्सेप्ट इमरजेंसी, और हाँ 15% से कम बैटरी मत होए दिया करो। सो वैसे तो मेरी 0% तक जाती है लेकिन फिर भी 15% से कम नहीं होनी चाहिए, और कभी भी 100% चार्ज मत करो, 80-90% चार्ज करो, और कुछ बेफालतू के ऐप्स और एड्स जिनमें आते हैं उनको बंद कर दो, और रेगुलर रीस्टार्ट भी दिया करो, पर मंथ एक तो रीस्टार्ट दे दिया करो फोन, उससे सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं। और दूसरा आपका जो सॉफ्टवेयर है एंड्रॉयड का उसको भी अपडेट करा करो। अभी उसको कैसे अपडेट करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। सो गाइस सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना है, और आपको सबसे नीचे वहीं पर सिस्टम में जाना है जहाँ पर डेवलपर ऑप्शंस के लिए गए थे, और यहाँ पर आपको सिस्टम अपडेट्स या सॉफ्टवेयर अपडेट कुछ भी नाम से मिल सकता है, इसको आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर चेकिंग फॉर अपडेट्स आएगा, कोई भी अपडेट होगा तो ये बता देगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो योर डिवाइस अप टू डेट, सो सिक्योरिटी पैच लेवल और सारा करेंट वर्जन एंड्रॉयड वर्जन कौन सा आप यूज़ करें सब ये बता देगा, और अगर कोई भी अपडेट होगा तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हो। और थर्ड पार्टी ऐप्स मत यूज़ करा करो अपडेट करने के लिए, क्योंकि उनमें ऐड जम्स और वायरस भी आ सकते हैं और वो सिस्टम को काफ़ी स्लो कर देते हैं, सो यहीं से अपडेट करा करो। सो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये काफ़ी ज़्यादा ही छोटा वीडियो था बट थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। और हमारा डिस्कॉर्ड इंस्टा मैं वापस याद दिला दूँ एक्टिव हो चुका है, वहाँ पे हमको फॉलो और ज्वाइन कर सकते हो, और गेम्स भी खेलते रहते हैं हम। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय, और लाइक एम 5 लाइक्स का ठीक है, कंप्लीट कर दो जल्दी से।